मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अनुपम शर्मा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दें कि इसके पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन में जो स्टार्ट किया था, तो ट्रांसफॉर्मेशन हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ा है। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे, बेसिक्स मैंने सबसे पहले लेक्चर वन में डाला था, तो बेसिक्स समझाया था कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है तो कैसे पता लगाएंगे कि एक्टिव वॉइस में उसमें क्या क्या चीज़ों को होना जरूरी है। पैसिव वॉइस में जब बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट वर्ब का ज्यादा पड़ता है, तो हमें सबसे पहला जरूरी होता है कि ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद अलग अलग प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं, कुछ इंटेरोगेटिव डिफरेंट टाइप से होते हैं, कुछ और भी अलग प्रकार के सेंटेंस, तो सारे मैंने आपको बताए हुए थे, वो आप लास्ट वीडियो जितने भी पढ़े एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन में हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक है। अब हमें सेंटेंस में क्या करना है, एक एडवर्ब टू लगा होगा, टी डबल ओ टू एक एडवर्ब दिया गया होगा, उस एडवर्ब को हमें रिमूव करना है। अब उस एडवर्ब को जब सेंटेंस से हटाएंगे तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा, उसकी जगह पर कोई दूसरा वर्ड लगाया जाएगा या हमें कुछ अतिरिक्त वर्ड लगाने पड़ते हैं, कुछ हटाने पड़ते हैं, ये सारी चीजें तो हम आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे। तो इससे पहले फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन प्रेस करिएगा, थम्स अप देते रहिएगा, और जिससे आपको हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, आप लोग अन्य लोग भी आपके फ्रेंड जुड़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है रिमूवल ऑफ टू। दैट्स मीन कि सेंटेंस में आपका एक एडवर्ब लगा होगा टी डबल ओ, याद रखिएगा टी डबल ओ टू। एक होता है आपका टी ओ, सिंगल ओ होता है जो आपका प्रीपोजिशन होता है, और ये है आपका टी डबल ओ, इसका मतलब ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब है, दैट्स मीन याद रखिएगा ये एडजेक्टिव के साथ जुड़ा होगा, एडजेक्टिव के ठीक पहले लगा होगा, तो हमें इसी टी डबल ओ टू को रिमूव कर देना है। अब इसको हटाएंगे तो क्या चीज आएंगे, कैसे रिमूव करना है, सेंटेंस में क्या परिवर्तन पड़ेगा। याद रखिएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलेगा तो कुछ ना कुछ, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। अब इसको चेंज करने से पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। याद रहे कि टू का अर्थ भी, ये भी निकलता है, टू का अर्थ भी के सेंस में भी प्रयोग किया जाता है। कैसे, देखिए जैसे एग्जाम्पल दिया जाए कि कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू, कॉटन इज ग्रोन, कॉटन उगाया जाता है इन इंडिया, भारत में, टू मीन्स भी, मतलब भारत में भी कॉटन उगाया जाता है, भारत में भी कॉटन उगाया जाता है, इसका मतलब टू का सेंस यहां पर भी से निकल के आ रहा है। दैट्स मीन आप टू को रिप्लेस करके आल्सो का यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लिख दिया जाए, आई टू हैड लिव्ड इन दिल्ली, आई टू मैं भी हैड लिव्ड रह चुका था, या मैं भी रहा करता था कहां पर, दिल्ली में, मैं भी दिल्ली में रहा था, तो यहां पर भी आपको टू लगा है, तो टू को हटा करके आप आल्सो लगा सकते हैं। तो यहां पर भी का सेंस आ रहा है, लेकिन हम जो पढ़ने वाले उसमें क्या करना है, टू का यूज जब किया गया होगा तो ये टू एक निगेटिव सेंस रखता है, एक नकारात्मक अर्थ रखता है ये टू। अब जब ये नकारात्मक सेंस, इसका अंदर टू हटाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो निगेटिविटी लानी पड़ेगी, एक निगेटिव वर्ड लगाना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। तो आप ध्यान से समझिएगा कि हमें जब टू को हटाएंगे तो हमें क्या चेंजेज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि जब सेंटेंस में टू के साथ इंफिनिटिव वर्ब भी दी गई होगी, व्हेन इंफिनिटिव वर्ब का मतलब होता है जब सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टी ओ टू प्रीपोजिशन लगा होता है, ये कहलाता है इंफिनिटिव। जब सेंटेंस में इंफिनिटिव वर्ब दी जाती है, तो इंफिनिटिव वर्ब इज गिवन, सेंटेंस में इंफिनिटिव वर्ब का जब यूज किया गया है तो उस कंडीशन में जब आप टू को रिमूव करेंगे तो आपको क्या करना है, देखिए तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा। याद रखिएगा जब एडवर्ब टू हटाएंगे तो ये एक निगेटिव सेंस रखता है, याद रहे टू एक निगेटिव सेंस रखता है। तो अब देखिएगा हमारा जो स्ट्रक्चर, जब विद टू टू के साथ आएगा तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब टू, एक एडजेक्टिव होगा, उसके बाद में हमारी एक
इन्फिनिटिव वर्ब होगी, इन्फिनिटिव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हुआ। याद रखिए इस तरह से हमारा एक स्ट्रक्चर दिया गया होगा। अब जब आप इसको टू रिमूव करेंगे, तो टू को जब रिमूव करेंगे तो आपको क्या करना है, देखिए जो सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया वही रहेगा, जो वर्ब दी गई है वही रहेगी। इस टू को रिप्लेस कर देगा सो, याद रखिएगा टू जिस जगह लगा हुआ है उसकी जगह पर हमें क्या लगा देना है, सो। फिर हमें जो एडजेक्टिव दिया गया वो एडजेक्टिव दिया रहेगा, उसके बाद कंजक्शन लगा देना है दैट। अब देखो फिर से एक सब्जेक्ट आएगा, लेकिन ये सब्जेक्ट हमारा किसके कार्डिंग होगा, इसके कार्डिंग, याद रखिएगा यहां पर सब्जेक्ट आएगा तो वो हमारा या क्या होगा, प्रोनाउन के आधार पर। उसके बाद फिर आपको सेंस के आधार पर कैन, कुड या आप डू, डज, ठीक, डिड, कुछ भी लगा सकते हैं। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद रखिए मैंने बताया गया कि ये जो टू होता है टू को रिप्लेस कर देगा सो एडजेक्टिव, उसके बाद दैट, फिर सब्जेक्ट, यहां पर प्रोनाउन आएगा लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग है, जो ये सब्जेक्ट होगा इसी के अकॉर्डिंग वहां पर प्रोनाउन आपका लिखा जाएगा। उसके बाद में अब आपको वर्ब लगानी है, तो वर्ब में याद रहे कैन, कुड, डू, डज, डिड, ये जैसा भी सेंस आए उसके आधार पर आप लगा सकते हैं। दूसरी वर्ब आपका फ्यूचर में भी बन सकता है। अब ध्यान रखिएगा कि आप जब टू को रिमूव करेंगे तो आपको क्या चीज करने है? एक एग्जांपल लिखते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे लिख दिया जाए रतन वाज टू ओल्ड टू रन। अब देखिए यहां से हमें टू को रिमूव करना है, ये टू। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। सेंटेंस में जो टू लगा है, मैंने कहा कि ये एक एडजेक्टिव के साथ दिया होता है, इसका मतलब ये एक एडवर्ब की तरह कार्य करता है। टू करता क्या है, टू का कार्य होता है किसी भी क्वालिटी की लिमिट को बहुत ज्यादा बढ़ा देना। टू क्या करता है, जिस एडजेक्टिव के पहले लगा होता है उसकी लिमिट बहुत ज्यादा कर देता है। लिमिट इतनी ज्यादा बढ़ा देगा, इतनी ज्यादा बढ़ा देगा कि उसकी अधिकता की वजह से वो पर्सन आगे जो इन्फिनिटिव रूप में वर्ब दी गई है वो कार्य नहीं कर पाता। फिर सुनिए मैंने क्या बोला, टी डबल ओ जो टू एडवर्ब है, ये जिस एडजेक्टिव के पहले दिया गया है उस एडजेक्टिव की लिमिट को इतना एक्सेस कर देता है, इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि उसकी अधिकता की वजह से वो पर्सन आगे लिखा गया कार्य नहीं कर पाता। इस जब नहीं कर पाता इसका मतलब नेगेटिव सेंस आ गया, तो ये टू को रिमूव कर देगा सो तुरंत एडजेक्टिव। याद रहे जब टू लगा है तब वो सेंटेंस आपका होता है सिंपल, एक सिंपल सेंटेंस है। जैसे टू आप हटाएंगे तो वहां पर सो लगाएंगे, सो एडजेक्टिव के साथ तुरंत एक कंजक्शन आएगा दैट, अब आपका सेंटेंस बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। याद रहे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा कंजक्शन से, अब आपकी दो क्लाजेज हो गई, एक जो सेंटेंस लिखा था ये, अब जैसे दैट लगेगा दैट से दूसरी क्लाज, जब क्लाज बनेगी इसका मतलब है कि आपका सब्जेक्ट और वर्ब का होना भी जरूरी है। अब देखिए मैं ध्यान से सुनिएगा, ये सेंटेंस अगर इस तरह से लिखा है इसको पूछने के तीन तरीके, तीन प्रकार से पूछ सकता है। पहला, सेंटेंस से टू को रिमूव करिए, पहला क्या कहेगा सेंटेंस से टू को हटाइए। दूसरा कह देगा कि सेंटेंस से आप निगेटिव में चेंज करिए, सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करिए। या सेंटेंस तीसरा कह सकता है सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाइए। ध्यान रखिएगा तीनों तरीके से पूछ सकता है। जब सेंटेंस में एडवर्ब टू दिया गया है तो आपको पहला क्वेश्चन पूछने का तरीका सेंटेंस में से टू रिमूव करो, दूसरा कह सकता है सेंटेंस को निगेटिव बनाइए, और तीसरा कह सकता है सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाइए। क्यों, जैसे ही टू रिमूव करेंगे सेंटेंस हमारा वो कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, और जब तक टू लगा है तब तक वो सिंपल होता है। अब टू एक निगेटिव वर्ड रखता है, मैंने पहले बताया, तो जब टू हटेगा तो आपको कोई ना कोई निगेटिव वर्ड लगाएगा। अब देखो स्ट्रक्चर जो मैंने लिखा है, स्ट्रक्चर में कहीं निगेटिव वर्ड नहीं लगाया, इसका मतलब गलत है, तो आपको एक निगेटिव वर्ड लगाना ही पड़ेगा। तो निगेटिव वर्ड जब लगेगा तो कहां पे लगेगा, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद। क्यों, आपको सेंटेंस के सेंस के आधार पर,
सेंटेंस के सेंस के आधार पर विल, कैन, कुड, डू, डज, डिड, जैसा सेंटेंस का सेंस निकल गया है उसके आधार पर आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर निगेटिव वर्ड नॉट लगेगा और उसके बाद में हमें वर्ब लगा देनी है। इन्फिनिटिव में जो टू लगा होता है इस टू को हटा देते हैं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो अगर मैंने यहां पर टू निगेटिव वर्ड नॉट नहीं लगाया इसका मतलब ये गलत हो गया, तो आपको यहां पर निगेटिव वर्ड नॉट लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सेंटेंस सही है, अब हम लोग चेंज करते हैं, इसका अर्थ समझिएगा। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है रतन वाज टू ओल्ड, रतन ओल्ड था, ओल्ड कौन था रतन, याद रहे ओल्ड कौन था रतन, मतलब रतन की क्वालिटी बताई गई है। अब ये टू क्या करेगा, इस ओल्ड जो क्वालिटी है इसकी लिमिट को इतना बढ़ा देता है, इतना बढ़ा देता कि इसकी अधिकता की वजह से आगे दिया गया कार्य नहीं किया जा सकता। मैं क्या बताऊं, ध्यान सुनिएगा कि टू सेंटेंस में एडजेक्टिव की क्वालिटी को इतना बढ़ा देता है कि उसकी अधिकता की वजह से वो पर्सन आगे दिया गया कार्य नहीं कर पाता, नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता है, या नहीं कर पाया था, नहीं कर सका था। अब डिपेंड करता है कि यहां पर वर्ब जो दी गई है ये किस टेंस को इंडिकेट करती है, अगर ये प्रेजेंट में है तो आगे प्रेजेंट बनेगा, अगर पास्ट में है तो पास्ट बनेगा। तो रतन वाज, रतन था, इसका मतलब पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट में वो नहीं कर सकता था, रतन वाज। तो पहला मैंने क्या किया, टू की जगह क्या लगा दिया, सो ओल्ड, रतन इतना बूढ़ा था, याद रखिए सो का अर्थ इतना निकलेगा और तुरंत कंजक्शन लगाना पड़ेगा हमें दैट, जिसका अर्थ निकलेगा कि। अब देखो जब अपने आप की निकलेगा तो इसका मतलब आगे कुछ ना कुछ हो आएगा, तो रतन इतना बूढ़ा था कि वो अब कौन सा काम नहीं कर सकता था, दौड़ने का, इसका मतलब है ही। देखिए मैंने लिखा था दैट के बाद में सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर, जब यह रतन है तो रतन के आधार पर प्रोनाउन क्या आएगा, ही। अब पास्ट में दिया गया है इसका मतलब क्या आएगा, ही कुड नॉट रन, बन। फिर से सुनिएगा ध्यान से, मैंने क्या बताया, एडवर्ब टी डब्ल्यू जो टू दिया गया है ये एक नेगेटिव सेंस रखता है, जिस एडजेक्टिव के पहले लगा होता है, याद रखिएगा जिस एडजेक्टिव के पहले लगा है उसकी लिमिट इतनी ज्यादा बढ़ा देता है कि उसकी अधिकता की वजह से वो कार्य नहीं किया जा सकता है। अब अगर बात प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट में कैन नॉट या डू नॉट या डज नॉट आप लगाएंगे, और अगर पास्ट की बात है तो आप कुड नॉट या डिड नॉट का यूज करेंगे। याद रहे मोस्टली ज्यादातर कैन नॉट और कुड नॉट का ही यूज होता है, ज्यादातर, ठीक। अब अगर अर्थ के आधार पर कोई ऐसी बात है जो जनरल सेंस में आ रहा है तो आप डू नॉट सेंटेंस में सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग या डज नॉट या डिड नॉट भी लगा सकते, जैसा उचित लगे। फ्यूचर की ओर बात आ रही है तो आप विल नॉट का भी यूज कर सकते हैं, याद रहे एक सेंटेंस और शो का होता है इतना और दैट का निकल कहता है कि। अब देखिए एक एग्जांपल आप ट्राई करिएगा, जैसे लिख दिया जाए हेमा इज सो, हेमा इज टू वीक टू पास इन मैथ्स। अब देखिए हेमा इज टू वीक, किसकी क्वालिटी बताई गई है, वीक कौन है, हेमा, हेमा कमजोर है, कमजोर तो है लेकिन टू का कार्य क्या है, टू वीकनेस को इतना ज्यादा बढ़ाता है कि इसकी अधिकता की वजह से आगे जो कार्य दिया गया ये कार्य हेमा नहीं कर पाती है या नहीं कर सकती है, नहीं कर पाएगी। देखिए चेंज करेंगे तो हमारा नियम क्या है, हेमा इज, टू की जगह क्या आ गया, सो, हेमा इज सो वीक, तुरंत क्या लगा दिया दैट, सो इतना कि। अब हेमा वीक है तो पास कौन नहीं कर पाएगा एग्जाम, जिसकी बात कर रहे वही नहीं कार्य कर पाएगा, तो हेमा का डी क्या लगेगा, सी प्रोनाउन आएगा, लगा दिया हमने, तो अब कौन नहीं पास कर पाएगा, हेमा, तो हेमा का डी सी लगा दिया। अब देखो आप चाहें तो प्रेजेंट का सेंस है यहां पर, तो आप आगे कैन नॉट पास भी लगा सकते हैं या विल नॉट पास भी लगा सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे, कैन नॉट पास या विल नॉट पास, तो दोनों चीजें हैं। इसलिए मैंने बोला था कि आप यहां पर चाहे कैन लगा दीजिए या विल लगा दीजिए, फिर निगेटिव वर्ड आएगा पास इन मैथ्स, ठीक, ओके। फिर से ध्यान सुनिएगा मैंने क्या बताया, सेंटेंस से जब टू को रिमूव करेंगे
तो कोई ना कोई निगेटिव वर्ड लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि टू निगेटिव सेंस रखता है, तो जब हम निगेटिव सेंस रखेगा तो इसका मतलब है कि हमें निगेटिव वर्ड लगाना पड़ेगा। तो टू एडजेक्टिव की क्वालिटी को इतना ज्यादा उसके लिमिट बढ़ा देता है अधिकता के से, जो भी इन्फिनिटिव दिया गया इसका मतलब व्यक्ति वो कार्य नहीं कर सकता है, नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब आगे निगेटिव वर्ड आएगा, तो हमें नॉट लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब जैसा आपको उचित लगे, ध्यान रहे किस टेंस में बात की गई है, प्रेजेंट की बात है, पास्ट की बात है, फ्यूचर की बात है, उसके आधार पर आप यूज करेंगे वर्ब। मोस्टली कैन नॉट, कुड नॉट का यूज किया जाता है, लेकिन अर्थ के आधार पर विल नॉट या डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट का भी यूज कर सकते हैं। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट, फिर हम आपको दूसरा रूल बताते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से, गलत नहीं होने चाहिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आपको दूसरा पॉइंट बताते हैं। हो गया, देखिए आगे चलते हैं। अब रिमूवल ऑफ टू में दूसरा पॉइंट, ये आपका वो था जब सेंटेंस में इन्फिनिटिव दिया गया हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। ठीक, सेंटेंस आपका लिविंग बीइंग है, किसी पर्सन की बात की जा रही है, प्राणी कोई है, तो जिसकी बात कर रहा है उसी के आधार पर आपको सब्जेक्ट आगे दैट के बाद लगा देना, मतलब वही वो व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है। ठीक, दूसरा, अब हम जो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, याद रखेगा ये पॉइंट क्या है हमारा, व्हेन सब्जेक्ट इज नॉन लिविंग थिंग, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग है और इन्फिनिटिव दी गई है, ये भी ध्यान रखना, इन्फिनिटिव वर्ब जरूर दी गई है, इन्फिनिटिव वर्ब इज गिवन। ठीक, याद रहे, सेंटेंस में अभी सब्जेक्ट हमारा कोई प्राणी था, सजीव प्राणी, अब हमने क्या बोला कि सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग होगा लेकिन इन्फिनिटिव अभी भी है, दैट्स मीन कार्य अभी भी किया जाना है लेकिन सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स होगा, उस कंडीशन में हमारा स्ट्रक्चर क्या आएगा। देखिए स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा, सब्जेक्ट वर्ब टू, उसके बाद में आपका एडजेक्टिव, देखिएगा अब यहां पर आपको फॉर के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा होगा। ठीक, याद रखिएगा, फिर आपका यहां पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। याद रहे कि सेंटेंस का सब्जेक्ट तो नॉन लिविंग थिंग्स है लेकिन फॉर के साथ आपको नाउन या प्रोनाउन मिलेगा, तो अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब टू की जगह सो तब तक लगाना है जब तक आगे इन्फिनिटिव वर्ब दी गई, मतलब ऐसा कार्य नहीं हो सकता है, याद रहे सो, उसके बाद में जो एडजेक्टिव दिया गया एडजेक्टिव। अब देखिए कंजक्शन दैट, अब दैट के बाद अभी हमने क्या बताया था कि दैट के बाद सब्जेक्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसके आधार पर प्रोनाउन आता है, लेकिन अब कार्य भी करना है और सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, इस कंडीशन में क्या करना है, ये जो फॉर के साथ दिया गया है इसका मतलब बात इसी नाउन या प्रोनाउन की जा रही है, तो यही व्यक्ति वो कार्य नहीं कर सकता, तो फॉर के साथ जो भी नाउन या प्रोनाउन दिया गया है आपको वही सब्जेक्ट बना देना है, सब्जेक्ट के तौर पर हमको ये नाउन या प्रोनाउन लिखना है, फिर आगे वही आपकी जो हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दिया जो पहले वही है, उसके बाद में नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रहे जो प्रीपोजिशन टू मतलब इन्फिनिटिव वर्ब का जो टू दिया गया है उसको हमें रिमूव कर देना है, उसको हटा देना है, वो क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद या मॉडल वर्ब के साथ कभी भी इन्फिनिटिव वर्ब नहीं आती, सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखिए एक एग्जांपल लिखते हैं, जिसे लिख दिया जाए, देखिए लिख दिया जाए, द ट्री वाज टू हाई, द ट्री वाज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम। अब देखिए द ट्री वाज टू हाई, पेड़ ऊंचा था, किसके लिए ऊंचा था, मेरे लिए, क्या करना है, चढ़ना। द
पेड़ पर चढ़ाई करने, पेड़ पर चढ़ना था, पेड़ ऊंचा था, लेकिन किसके लिए ऊंचा था? जिस व्यक्ति की बात कर रहा है, इसका मतलब वही व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है। पेड़ ऊंचा था, किसके लिए ऊंचा था? मेरे लिए। तो जब मेरे लिए ऊंचा, इसका मतलब कौन नहीं चढ़ सकता पेड़ में? मैं। तो क्या बनेगा? तो अब इसको जब बनाएंगे तो क्या बनेगा? द ट्री वाज सो हाई दैट, याद रखे तुरंत दैट लगने का मतलब आगे एक क्लास आएगी, सब्जेक्ट कैन नॉट कुड नॉट डिड नॉट। तो द ट्री वाज सो हाई दैट, अब मेरे लिए ऊंचा था तो कौन नहीं चढ़ पाएगा? मैं। सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा तो आपको सब्जेक्टिव केस ही प्रोनाउन लिखा जाएगा। मेरे लिए ऊंचा तो कौन नहीं चढ़ सकता? मैं। तो इसका मतलब है आई। अब देखिए यहां पर बात है पास्ट टेंस की, जब पास्ट की बात है तो क्या लगेगा? कुड। प्रेजेंट की बात होती तो कहना था, तो आई कुड नॉट क्लाइम, ठीक याद रखिए बन गया। तो जब मैंने अगला पॉइंट ये है कि सेंटेंस में कार्य दिया गया, कार्य करना भी है लेकिन सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स है, उस कंडीशन में अगर फॉर के साथ दिया गया है तो जो फॉर के साथ दिया गया है इसका मतलब इसी पर्सन की बात की जा रही है और यही वो व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है। तो हमें उसी नाउन या प्रोनाउन जो भी दिया गया हो, किसी का नाम दिया गया है अगर नाउन है तो वो नाउन लिख देना है, और अगर कोई प्रोनाउन है तो उसका सब्जेक्टिव केस लिख देना है, और कैन नॉट कुड नॉट जैसा भी टेंस है टेंस के अकॉर्डिंग लगा देना है। ठीक, एक एग्जांपल और लिखते हैं, देखिए लिख दिया जाए द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर हर टू सॉल्व इट। अब देखिए अब इसको द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, क्वेश्चन कठिन है किसके लिए? फॉर हर टू सॉल्व, हल करने के लिए। तो किसके लिए? फॉर हर, उसके लिए। क्वेश्चन टफ है, डिफिकल्ट है, लेकिन किसके लिए डिफिकल्ट है? उसके लिए। तो इसका मतलब सॉल्व कौन नहीं कर सकता? जिसके लिए कठिन होगा वही सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक, तो अब यहां पर आपको क्या बनाना है? द क्वेश्चन इज, पहला पॉइंट टू की जगह पर हमने क्या लगा दिया? सो द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट, जब इसके लिए कठिन है तो कौन नहीं हल कर पाएगा? वह। सब्जेक्ट तरह कार्य करेगा तो सब्जेक्टिव केस। अब देखो इज लगा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, जब प्रेजेंट की बात कर रहा है इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट में वर्ब आएगी तो आप कैन लगा सकते हैं या विल का यूज भी कर सकते, वो नहीं हल कर सकती है या वो नहीं हल कर पाएगी, जैसा आपको उचित लगे। तो सी आप उसकी कैपेसिटी की बात है, इस वजह से आप यहां पर कैन लगा दीजिए, सी कैन नॉट सॉल्व। तो याद रखिएगा कि जब सेंटेंस में कार्य भी करना हो, सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स है, उस कंडीशन में फॉर के साथ आपका दिया होगा तो वही सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य करेगा। इसका मतलब उसी व्यक्ति की बात की जा रही है तो वही वो व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है। ओके, हो गया, नोट कर लीजिएगा फटाफट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, उसके बाद फिर आगे रूल बढ़ते हैं। दूसरा और भी कई रूल्स हैं। ठीक, हो गया, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा फटाफट, शेयर करते चलिए वीडियो को, देखते चलिएगा जल्दी से, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करते चले, फटाफट लाइक जरूर करते चले, लाइक करते चलिएगा तो पता चलता है कि हाँ मेरा सफर आपको समझ में आ रहा है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट में जाकर के बता सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट, इसी रिमूवल ऑफ टू से। अब देखिए यहां पर सेंटेंस नॉन लिविंग थिंग था और कार्य भी करना था, लेकिन फॉर के साथ सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया था, इस व्यक्ति की बात की जा रही है, लेकिन हो सकता है कि ये ना दिया गया हो किसके लिए, ये भी हो सकता है सेंटेंस में कि ये ना दिया गया हो कि किसकी बात की जा रही है, कार्य करना तो है लेकिन पर्टिकुलर मालूम है कि नहीं इस पर्सन की बात की जा रही है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तीसरा पॉइंट यही है कि देखिए स्ट्रक्चर में आप सीधे लिखूंगा कि किस प्रकार से सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स है, वही है तो वर्ब दी गई होगी, उसके बाद में आप एडजेक्टिव, फिर अब यहां पर अभी फॉर के साथ लिखा था लेकिन अब आपको नहीं दिया गया,
देखिए अब इस कंडीशन में कार्य भी करना है लेकिन ये नहीं मालूम कि बात किसकी हो रही है और सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ऐसी कंडीशन में आप टू की जगह सो, एडजेक्टिव जैसा दिया गया वैसा ही रहेगा, कंजक्शन दैट। अब देखिए यहां पर आप क्या लगा सकते हैं, नो वन या जिसे बोलते हैं नन, अब आपकी वही वर्ब लगेगी उसके बाद में वर्ब की जो, देखिए याद रखिएगा कैन नॉट कुड नॉट जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग लगेगी और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, फिर सुनिएगा मैंने क्या बताया, इसे देखिए सुनिए मैंने बताया क्या कि सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स है, वर्किंग अभी भी दी गई है, इन्फिनिटिव वर्ब दी गई मतलब कार्य अभी भी करना है लेकिन सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स है निर्जीव, तो उस कंडीशन में अब आपको क्या किया जाए, कार्य भी करना है, पर्टिकुलर पता भी नहीं कि किस व्यक्ति की बात की जा रही, इसका मतलब हुआ कि वो कार्य कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, जब कोई नहीं कर पाएगा तो अभी तक हम दैट के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दूसरा सब्जेक्ट लगाते थे, अब हमें क्या करना है कि जब कार्य कोई भी नहीं कर सकता है तो हमें सब्जेक्ट बना देना है नो वन या जिसे हम बोलते हैं नन, नो वन बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं नन, तो अब नन देखो नो वन ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है, नो लगा है, इसका मतलब अब आपको आगे नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है, जब पहले से नन लिखा है नन का मतलब कोई नहीं, उसमें नहीं का सेंस आ गया, तो अब आपको कैन या कुड या डिड या डू के बाद में नॉट नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल लिख दिया जाए इसे द स्टोन वाज टू बिग टू लिफ्ट इट, अब देखो द स्टोन वाज टू बिग, स्टोन बड़ा था, क्या बात किसकी की जा रही है, स्टोन की, स्टोन बड़ा था काय के लिए, टू लिफ्ट इट उठाने के लिए, अब यहां पर यह नहीं दिया गया किसके लिए कौन उठाएगा, बिल्कुल नहीं दिया गया कि कौन उठाएगा, तो अब इसका मतलब जब मालूम नहीं कि किसकी बात कर रहा है तो वो कार्य कोई भी नहीं कर सकता, वो कार्य कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, तो अब इसको क्या बनाएंगे आप, जब इसको टू करेंगे तो देखिएगा मैंने क्या बोला, द स्टोन वाज सो बिग दैट, अब देखिए अब आपको सेंटेंस में सेंस कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जब इतना बड़ा है, वो सॉरी स्टोन इतना बड़ा है कि उठाया ही नहीं जा सकता, इसका मतलब कोई नहीं उठा सकता है, तो कोई नहीं मतलब क्या आया, नो वन जिसे हम बोलते हैं नन, अब जब नन आ गया देखिए यहां पर क्या लिखा है वाज, जब वाज लिखा है इसका मतलब यहां पर पास्ट में टेंस है, तो क्या लगेगा कुड लिफ्ट, याद है कुड के बाद अब आपको नॉट नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि यहां पर नन दिया गया है। ठीक, अब इसी को आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं, सुनिए कैसा, कि जब आपको कार्य करना भी है और सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स भी है और कार्य भी करना है, तो इस कंडीशन में आप सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर सब्जेक्ट लगा सकते हैं लेकिन वो सेंटेंस फिर आपका पैसिव वॉइस बनेगा, कैसा बनेगा पैसिव वॉइस, फिर सुनिएगा कार्य भी करना है, सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स है, अगर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर लगाते हैं तो आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट कार्य करेगा, और जब इट लगाएंगे तो याद रखिएगा कि फिर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस बनेगा, और जब पैसिव वॉइस बनेगा तो आपको फिर पैसिव वॉइस के तरीके बनाना पड़ेगा, तो यहां पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, कुड नॉट बी, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाते हैं, इसके पहले मैंने लेक्चर बताया था पैसिव वॉइस में जब मॉडल वर्ब लगी होती है तो मॉडल वर्ब के साथ पैसिव वॉइस में केवल बी जोड़ देते हैं, बस सिर्फ बी लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इट कुड नॉट बी लिफ्टेड, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, अगर वो कार्य कोई नहीं कर सकता तो आप सेंटेंस सब्जेक्ट नो वन लगा दीजिए, नो वन लगाएंगे तो आपको फिर केवल कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर आपने सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स अकॉर्डिंग इट लगा दिया तो आपको पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा, फिर कैन नॉट बी कुड नॉट बी ये चीज, और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब जो कार्य करना, अगर कोई कार्य करना है तो वहां पर आपको फिर लगाना पड़ेगा वर्ब की थर्ड, तो पैसिव वॉइस के तरीके आपको फिर बनाना पड़ेगा। ठीक, याद रखिएगा आप इसको
जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर अगला पॉइंट बताते हैं, इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा तीनों में हर जगह आपको कार्य करना है, वर्किंग दी गई है, लेकिन जब यह नहीं पता किसके लिए, इसका मतलब वो कार्य कोई नहीं कर सकता है। ठीक, याद रहे, चलिए नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब किस कंडीशन में, अगला ऐसा है, याद रखिएगा इसी तरह से है, लेकिन अब वहां पर क्या है कि हमें फॉर के साथ कोई नाउन दिया गया होगा। ठीक, याद रखिएगा। अब वो सेंटेंस क्या है, अगला पॉइंट है कि सेंटेंस याद रखिएगा सब्जेक्ट होगा, वर्ब भी दी गई होगी, टू एडवर्ब भी होगा, एडजेक्टिव। अब देखिएगा यहां पर फॉर, लेकिन फॉर के साथ में सिर्फ नाउन है बस, अब कोई इन्फिनिटिव नहीं दी गई है, इन्फिनिटिव नहीं दी गई है। इस तरह का सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब टू एडजेक्टिव फॉर, फॉर के साथ नाउन दिया गया है। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल कैसे लिखा जाए, एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे लिख दिया जाए, राहुल इज टू सैड फॉर वर्ड्स। अब देखिए, राहुल इज टू सैड फॉर वर्ड्स, शब्दों के लिए, या दूसरा इस तरह से ना लिखे, देखिए एक सॉरी ऐसा एग्जांपल आपको फिर दिक्कत होगी, हम एक चीज लिख दी किस तरीके से कि हिज ग्रीफ इज टू बिग फॉर वर्ड्स। अब देखिए, हिज ग्रीफ इज टू बिग फॉर वर्ड्स, उसका जो दुख है बहुत ज्यादा है, काबिल फॉरवर्ड शब्दों के लिए ज्यादा है। इसका मतलब अब आपको सेंटेंस में से टू को रिमूव करना है, लेकिन सेंस के आधार पर, सेंस के आधार पर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट भी लगाना है और आपको अपने आप वर्ब भी लगानी है। कहने का मतलब यहां पर आपका जो सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब टू को रिमूव कर देना है, सो आ गया, दैट लग गया, सॉरी एडजेक्टिव उसके बाद में लगा दिया दैट। अब देखो फिर से आपको एक सब्जेक्ट लगाना है, जैसा भी आप उचित सब्जेक्ट समझे उसके आधार पर लगा सकते हैं, जो भी आपको सही लगे कि हाँ ये सब्जेक्ट। अब आपको करना क्या है, अपने आधार पर ही खुद ही आपको हेल्पिंग वर्ब और खुद ही आपको मेन वर्ब लगाना है। ठीक, और आगे फिर जो फार है ये रिमूव हो जाएगा और जो नाउन लिखा है वो नाउन आपको लगाना है। जरूरत पड़े तो आप यहां पर प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो। तो याद रहे आपको किस प्रकार से सेंटेंस ये बनाना है। अब देखिए, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा समझने में, फिर से जब आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां पर लिख दिया जाए, हिज ग्रीफ इज सो बिग दैट, अब यहां पर बिग लगा दिया ज्यादा के लिए, उसका दुख बहुत ज्यादा है, तो उसका दुख फॉर वर्ड्स शब्दों के लिए ज्यादा, इसका मतलब क्या है, वो इतना ज्यादा दुखी है कि वो शब्दों में इसको बयां नहीं कर सकता। इसका मतलब यही है कि हिज ग्रीफ इज सो बिग दैट, उसका दुख इतना है कि ही कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। क्लियर, मेरा बताने का मतलब यही है कि आपको खुद सब्जेक्ट और खुद ही आपको वर्ब ढूंढनी है। ठीक, अपने हिसाब से जैसा आपको उचित लगे उसके आधार पर आपको सब्जेक्ट लगा देना है और वैसे ही आपको वर्ब लगा देनी है। इस तरह के सेंटेंस आते हैं कि जब फॉर के साथ में नाउन दिया गया हो, फॉर के साथ नाउन दिया गया हो, तो उस कंडीशन में आपको ये यूज करना है, अपनी तरफ से आपको वर्ब लगानी है कि हाँ ये वर्ब यहां पर लगाया जा सकता है। ठीक, नोट करिएगा, फिर आपको बता देते कौन कौन से वर्ब आप यहां पर लगा सकते हैं। ओके, बन गया, एक एग्जांपल और लिख देते हैं हम यहां पर। नेक्स्ट,
एक एग्जांपल और लिख देते हैं, ही इज टू डल फॉर ए स्पोर्ट्स मैन। अब देखिए, ही इज टू डल फॉर ए स्पोर्ट्स मैन। ही इज टू डल, डल है कमजोर है, काय के लिए कमजोर है, स्पोर्ट्स मैन इसका मतलब वो खिलाड़ी बनने के लिए कुछ ज्यादा ही कमजोर है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट बी। अब देखो आपने वर्ब क्या लगाया, बी, मतलब वो कमजोर है स्पोर्ट्स मैन खातिर, मतलब इसका ये हुआ कि वो स्पोर्ट्स मैन नहीं बन सकता है। तो ही कैन नॉट बी ए स्पोर्ट्स मैन, मतलब आपको अपने सेंस के आधार पर वर्ब लगानी है, कैसे हम कौन से वर्ब का यूज करें, किस हिसाब से सेंटेंस हमारा सही हो जाए। ऊपर दुख की बात थी, शब्दों के लिए गया तो उसका दुख शब्दों के लिए कुछ ज्यादा था, मतलब वो शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकता था। यहां पर कह रहा है वो डल है खिलाड़ी के लिए, इसका मतलब है कि वो खिलाड़ी नहीं बन सकता है। इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह सेंटेंस को आपको एक्सप्रेस करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हो गया, देखिए तो याद रखिए, जब वो है जिसमें इन्फिनिटिव नहीं दी गई, याद रखिएगा कि इस सेंटेंस में इन्फिनिटिव नहीं दी गई, मतलब कोई कार्य नहीं करना है, सिर्फ फॉर के साथ नाउन दिया गया है और उसी नाउन के आधार पर आप समझ करके आपको लगाना है कि ऐसा कार्य हो सकता है, नहीं किया जा सकता, बन सकता है क्या, इसके आधार पर आपको यूज करना है। ठीक, ये याद रहे किस तरीके से आपको सेंटेंस बनानी है। रिमूवल ऑफ टू याद रखिएगा, सेंटेंस एक्सप्रेस करने का एक तरीका है किस प्रकार से। अब मैंने यही बोला कि सेंटेंस कैसे कह सकता है कि सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाइए, सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करिए, या कहेगा सेंटेंस से टू को रिमूव करिए। तीनों कंडीशन किसी प्रकार से आप ध्यान रखिएगा इसको। आगे अगला आपका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट दिया गया होगा, वर्ब दी गई होगी और उसके बाद में एडजेक्टिव, बस सिर्फ इतना ही दिया गया है। That's mean, सिर्फ किसी चीज की अधिकता बताई गई है, केवल केवल लिमिट बताई गई है, कोई कार्य नहीं करना है। यहां पर इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ किसी चीज की अधिकता, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेस बताया गया है। इस कंडीशन में अब आप जब यहां से टू रिमूव करेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब, इसके दो तरीके हैं, सब्जेक्ट वर्ब, अब टू हटाएंगे तो टू की जगह पर आप ओवर भी लगा सकते हैं, टू की जगह पर एक्सट्रीमली भी लगा सकते हैं और टू की जगह पर एक्सेप्शनली भी लगा सकते हैं और उसके बाद में जो हमारा एडजेक्टिव दिया गया है। ठीक, याद रखिएगा, जो मानो आपका तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, टू को रिप्लेस कर देगा ओवर, एक्सट्रीमली या एक्सेसिबली, जो आपका मानो वो लगा दीजिए। तीनों में आप कोई भी वर्ड लगा सकते, तीनों चीजें हमें अधिकता को दर्शाती है। जैसे आप एक पॉइंट और, आप चाहें तो इसी को किस प्रकार से लिख सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब, टू को रिमूव करना ही है, जब टू को रिमूव करना है तो अब आपको करना क्या, एडजेक्टिव पहले कर दीजिए, उसके बाद में अब लास्ट में आप लगा सकते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। आप इस तरीके से भी सेंटेंस को बना सकते हैं, दोनों पॉइंट है आपके पास, जैसा मानो वैसे कर जिसने दिया जाए। It is too cold. तो पहला क्या है, It is extremely cold. बना दिया। या आप इसी को चाहें तो लिख सकते हैं It is cold beyond the proper limit. ये देखिए, It is too cold. बहुत ज्यादा सर्दी है, लिमिट से ज्यादा सर्दी है, जिसका मतलब इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज्यादा चरम सीमा तक सर्दी है, या इट इज कोल्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, एक लिमिट है उस लिमिट से कुछ ज्यादा सर्दी है। इस तरीके से याद रखिएगा, कब, जब सिर्फ एडजेक्टिव एडवर्ब बस, आगे कुछ नहीं दिया गया है। हाँ, ओवर जो लगा है ये आप ओवर तब लगाना अधिक बेहतर होता है जब बात किसी पर्सन की जाए, अगर किसी व्यक्ति की बात कर दी जाए तो वहां पर ओवर अधिक अच्छा होता है। जैसे एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, सी इज टू
ईगर फॉर प्रेज। अब शी इज टू ईगर, वो ज्यादा ही उत्साहित है, तो यहां पर क्या लिख दिया जाए, सी इज ओवर ईगर। आप क्या लगा दिया, ओवर। तो जब बात अगर पर्सन की है तो इसका मतलब है कि आप वहां पर ओवर लगाएं, अधिक अच्छा है। पर्सन की बात की जा रही है, अगर व्यक्ति की बात की जा रही है तो उस कंडीशन पे आप ओवर लगाइए, और अगर नेचुरल इवेंट्स की बात की, ऐसे साधारण बात की जा रही है तो वहां पर आप एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली का यूज कर सकते हैं। इसलिए किया जाए, द रूम वॉज टू नॉइजी, कमरा बहुत ज्यादा शोरयुक्त था। इसका मतलब क्या हुआ, द रूम वॉज एक्सेसिवली नॉइजी, या द रूम वॉज एक्सट्रीमली नॉइजी, या द रूम वॉज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। जो भी आपको उचित लगे उसके आधार पर आप लगा सकते हैं। तो ये रिमूवल ऑफ टू के कुछ पॉइंट्स थे, जो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा अच्छे से कायदे से, और आप प्रैक्टिस करिएगा। अभी इसमें और भी पॉइंट्स हैं जो हम आपको अगले वीडियो में कुछ नए नए रूल्स इससे रिलेटेड लेके आएंगे, किस प्रकार के सेंटेंसेस हमको बनाने हैं, ये चीज हमको याद रखना है। ठीक, तो चलते हैं, आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है पूछते रहिए लगातार, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करते रहिए, फॉलो करिए, देखते रहिए, अध्ययन पढ़ते रहिए अच्छे से।